नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। और रुक कर लेते हैं खबरों का विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आज आम बजट 2021-22 पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाए हैं, तो साथ ही कई वस्तुओं के दाम में कटौती भी की है। इस बजट में जहां वित्त मंत्री ने कुछ इंडस्ट्रीज को राहत दी, तो कुछ की उम्मीदों को निराश भी किया। तो इस बार के बजट में क्या क्या चीजें महंगी और सस्ती हुई हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। कोरोना के इस काल में पूरे देश को इस बार बजट में वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी, जिससे उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिल सके। ऐसे में वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर्स में जहां वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया, तो वहीं कई सेक्टर्स को निराश भी किया। आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है, लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में कटौती बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इंफ्रा सेस भी लगाया गया है, जो कि 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है। वहीं नए बजट के लागू होने से जिन चीजों पर महंगाई बढ़ जाएगी, वो इस तरह है। इस बजट में मोबाइल पार्ट्स में छूट घटाई गई है, जिसके चलते मोबाइल फोन और चार्जर्स महंगे हो गए हैं। बजट में अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लागू होते ही शराब पीना भी महंगा होगा। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा तांबे के सामान, ऑटो पार्ट्स, सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े, रत्न महंगे होंगे। साथ ही लेदर के जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर इन्वर्टर, सेब, काबुली चना, चना दाल, यूरिया, डीएपी खाद भी महंगी होगी। ऐसा नहीं है कि नए बजट के लागू होने से ज्यादातर चीजें महंगी हो जाएंगी। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। सरकार ने जहां कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है, वहीं ग्राहकों को इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े, इसके लिए इन सब पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसके अलावा सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दर में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वही सोने चांदी के बिस्किट्स पर भी उत्पादन शुल्क घटाया गया है। वही सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। वही नट बोल्ट्स पर भी उत्पाद शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है। साथ ही स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5% कर दिया गया है। साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित कर दी गई है, जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है। बजट 2021-22 के लागू होने पर जिन चीजों के दामों पर इसका असर पड़ेगा, वो कुछ इस तरीके से है। नायलॉन के कपड़े और पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते होंगे। स्टील के बर्तन, लोहे के उत्पाद और तांबे का सामान सस्ता होगा। पेंट और ड्राई क्लीनिंग सस्ती होगी। सोलर लालटेन, चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे। साथ ही सोना चांदी और इंश्योरेंस भी सस्ती हो सकती है। इसके अलावा बिजली और कृषि उपकरण भी सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हर बार से अलग तरीके से बजट पेश किया। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है। इस बार उन्होंने आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय पे आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में हो गई है। जिस आर्थिक मंदी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, देश को उस मंदी के दौर से भी गुजरना पड़ा, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही इस बार का बजट बनाया गया है। वहीं इस बजट से जहां कुछ सेक्टर्स को राहत मिली, तो वहीं कुछ को निराशा भी हाथ लगी है। अब देखना होगा कि नए बजट के लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।